नमस्कार और आदाबाद सनीचरी। अप्रैल के 18 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। कोविड 19 से जुड़ी हुई कुछ खबरें हम आपको देना चाहते हैं। 6 लोग अच्छे हो गए, 6 लोग जो बीमार थे जिनको ये फ्यूरस था, ये सब अच्छे हो गए, ठीक हो गए, ये सब तंदुरुस्त है और घर भेज दिया गया है। और इस वक्त अभी तक 3 लोग ये ओवरहेड्स क्वारंटाइन में, इन लोगों का इलाज अभी चल रहा है, लेकिन ये सब ठीक है। मुमकिन आने वाले दिनों में इन लोगों को भी घर भेज दिया जाएगा। अभी तक ये सब हॉस्पिटल में है। वैसे आपको पता है कि एक व्यक्ति का देहांत सूरीनाम देश में हो गया है, ये कोविड 19 या कोरोना वायरस से। 13 मार्च से ये कोविड बिस्मैथिंग जब सूरीनाम देश में शुरू हुआ है, 31 मार्च तक 10 लोग रजिस्टर हुए हैं जिनके पास ये वायरस मिला है, लेकिन 31 मार्च से कोई भी नया खफाव नहीं आए हैं। वैसे हम आपको ये बता दें कि 13 मार्च से सूरीनाम देश में एक हदेलत लॉकडाउन है, और ये भी कि लुख्तरोम बन है, मतलब उड़ान नहीं होती है। पिछले हफ्ता सुख को प्रेसिडेंट देसी बौद्ध एक स्टेटमेंट में कहा है कि 2 हफ्ते के लिए जो मातृकलन लिया गया था, जो लॉकडाउन, जो आफन क्लॉक है 8 बजे रात से सुबह 6 बजे तक, ये 2 हफ्ते से बढ़ा दिया गया है। इसी सिलसिले में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट देसी बौद्ध की स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुए है। एक वीडियो लोग पेश किए हैं, इसमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट देसी बौद्ध कुछ नौजवान लोगों के साथ बैठकर कुछ बात करते हैं, कुछ पीते हैं, और ये ठीक बात नहीं है। जब यह वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, तब प्रेसिडेंट देसी बौद्ध फिर से एक स्टेटमेंट दिए है। एक वीडियो व्हाट्सएप में वो कहे है कि यह बिल्कुल सही बात नहीं है, उन्हें पता है, और फैल खैज दिन से भी इनसे ये बता चुके थे कि ये जो फैल खैज मातृकलन है कोविड मैनेजमेंट टीम का, इस पर गौर करने के लिए, कोरोना वायरस के कारण ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो हुआ है, और इसके लिए वो माफ़ी मांगे हैं जनता से। वैसे हम आपको ये बता दें कि इस वक्त ओवरहेड्स क्वारंटाइन में 41 लोग हैं, और 59 लोग इन लोगों को घर भेज दिया गया है। बुध के प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर, कोविड टीम के प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर, यहाँ पर प्रेस मौजूद नहीं था। ये सब कुछ गुस्से में थे, क्योंकि प्रेस लोगों का, जर्नलिस्टन का कहना है कि इन लोगों का सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है, या कुछ हद तक सिर्फ दिया जाता है, कुछ हिस्सा सिर्फ सवालों का जवाब मिलता है, तो लोग बुध को यहाँ पर हाजिर नहीं थे। कल सुख के प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर जर्नलिस्ट वहां पर आए थे और फिर से कुछ सवाल किए हैं। हम ये आपको भी बताना चाहते हैं कि मिनिस्टर लिलियन फेरी जो है, अंडरवाइज का मिनिस्टर जो है, इस हफ्ता से वो ऐलान किए हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग से लोग शुरुआत किए हैं। 16 अप्रैल से घर पर बैठकर टेलीविजन पर बच्चे जो है बास स्कूल का, इन लोगों को पढ़ाया जाता है, और ये है अनेक टेलीविजन कनाल पर, अनेक स्टेशन पर ये जो लेसन है लोगों को दिया जाता है, इन लोगों को पढ़ाया जाता है। यह लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग शुरू हो गया है। सोमवार से लेकर सुख तक सुबह में 9 बजे यह प्रोग्राम शुरू होता है, शाम के समय यह दोहराया जाता है, शनिचर और एतवार को भी एक हेरहालिंग रहता है। बच्चे और इन लोगों के माँ बाप और या बड़े भाई बहन जिनके घर में है, इन सभी लोगों से कहा गया है पढ़ाई में ध्यान रखने के लिए। माँ बाप और भाई बहन से भी गुजारिश किया गया है, अगर हो सके तो अपने बच्चों को ज़रूर आप मदद कीजिए पढ़ाई में। वैसे कोविड टीम की तरफ से कल ये कहा गया है कि इस वक्त ओवरहेड्स क्वारंटाइन में 41 लोग हैं, ये स्टैटिस्टिकन से भी पता चलता है। इन लोगों के साइट पर 95 लोग इन लोगों को घर भेज दिया गया है। ये भी कहा गया है कि पहला रेपेट्रियासी फ्लुख जो है हॉलैंड का, ये सोमवार को अप्रैल के 20 तारीख को होगा। अम्स्टरडम से लगभग 200 लोग सूरीनाम देश वापस लाया जाएगा। ये जो पहला ग्रुप लोग है, या पहला जो 200 लोग है जो सूरीनाम देश आएंगे, इन लोगों के लिए कुछ ख़ास रेखों से कुछ नियम लोग मनाए हैं, और इस पर लोगों को गौर करना चाहिए। सभी का स्कैन होगा,
ये हवाई जहाज में आने से पहले हवाई जहाज में एक डॉक्टर मौजूद रहेगा और लोग जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी लोगों की स्क्रीनिंग होगा। हर एक को ये फरप्लेखते, हर एक जो आएगा इस फ्लाइट के साथ 200 लोग, ये सभी को ओवरहेड्स क्वारंटाइन में जाना है। यही वजह था क्यों और पहले लोगों को नहीं लाया गया है, क्योंकि इतने लोगों के लिए ओवरहेड्स क्वारंटाइन के लिए सरकार को जगह का बंदोबस्त करना था। अब ऐसा हो गया है तो पहला रेपैट्रिएशन फ्लुक्ट होगा। ये डैनियल फेरा जो डायरेक्टर है फेलिक्स का बताए कि लगभग दुनिया भर में सूरीनाम देश के 900 लोग फंसे हैं, 900 लोग विदेश में हैं जिनको वापस देश में लाना है, लेकिन लोग शुरुआत किए हैं 200 लोगों को लाने के लिए। इससे पेशतर लोग क्यूरासाओ से, आरोपा से, मायामी से और ब्रासिलिया के लोग और कुबा के लोग ला चुके हैं सूरीनाम देश में, तो ये क्वारंटाइन प्लेकन जो है ये सब अवेलेबल नहीं था, ये सब खाली नहीं था। अब ये क्वारंटाइन प्लेकन जो है सरकार का लोगों को घर भेज दिया गया है जो इसमें थे, तो अब ये 200 लोग जो आएंगे तो इन लोगों को इसमें रखा जाएगा। कॉलोनेल जेनी स्नेनहार जो है NCCR का, ये बताए है कि और कोई दूसरा चारा नहीं है, मतलब कोई घर नहीं जा सकते हैं। ये क्वारंटाइन वेद के मुताबिक कहा गया है कि हर एक को ओवरहेड्स क्वारंटाइन में रहना है 14 दिन के लिए। 14 दिन के बाद 15वें दिन 15 तक लोगों का स्क्रीनिंग होगा और स्क्रीनिंग करने के बाद फिर एक्सिट स्क्रीनिंग होगा, इन लोगों को घर भेज दिया जाएगा अगर इन लोगों के पास कोई ऐसे सिम्टोम नहीं मिलेगा। जो लोग वापस आएंगे इन लोगों को रेसिडेंस इन और सौरभ होटल में रखा जाएगा। जिन लोगों के पास एक SLM का रिटूर टिकट है ये सब तो आएंगे ही रेपैट्रिएशन फ्लुक्ट से, इन लोगों को टिकट ख़रीदने के ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास एक TUI या KLM टिकट है ये सब भी SLM फ्लाइट के साथ आ सकते हैं। इन लोगों को अपना नाम रजिस्टर करवाना है और ये भी कहा गया है कि इन लोगों को एक वन वे टिकट ख़रीदना पड़ेगा, एक टिकट लोगों को ख़रीदना पड़ेगा वहाँ से आने के लिए SLM से, और इसका पैसा जो है इसके बारे में लोगों को KLM या TUI के पास जाकर दफ्तर में बातचीत करना है, पैसा इन लोगों को मिलेगा या नहीं। सिर्फ SLM के टिकट जिनके पास है इन लोगों को पैसा भरने के ज़रूरी नहीं है। वैसे हम आपको और ये बताना चाहते हैं कि सवाल ये भी जर्नलिस्टन की तरफ से किया गया है कि जो लोग आएंगे इन लोगों को पूरी तरह से इन लोगों का देखभाल किया जाएगा या नहीं। तो ये जेरी स्लेनहार्ट जो है NCCR का कहे है कि सरकार पूरी तौर से इन लोगों का ख्याल करेगा, खाने पीने का बंदोबस्त, रहने का बंदोबस्त इन लोगों के लिए किया गया है, और ये भी कहा गया है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, इन लोगों के खाने और पीने का सामान मिलेगा वक्त पर, इन लोगों का सब कुछ मिलेगा ओवरहेड्स क्वारंटाइन में या 14 दिन के वास्ते। जेरी स्लेनहार्ट लोगों से गुजारिश किए हैं कि आप लोग एयरपोर्ट मत आइए सोमवार को, जब आपके परिवार के लोग, परिवार के सदस्य आएंगे यहाँ पर सिर्फ ओवरहेड्स दिन से जो है ये सब अपना काम करेगा। आप लोगों से गुजारिश है यहाँ पर नहीं आने के लिए, क्योंकि आपको इन लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो लोग आएंगे इन लोगों से मिलने की इजाज़त आपको नहीं मिलेगा, तो इन लोगों के काम में आप दखल मत डालिए, आप वहाँ पर मत आइए, क्योंकि इन लोगों से आप नहीं मिल पाएंगे। तो ये कुछ ख़ास खबरें हम आपको दिए हैं, ये COVID-19 से जो जुड़े हुए खबरें हैं। पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे कि फिच रेटिंग्स और स्टैंडर्ड्स एंड पूर जो रेटिंग्स ब्यूरो है सूरीनाम देश के क्रेडिट वार्ता खैर जो है ये कम किए हैं। अब ऐसा इस हफ्ता मूडीज भी किए हैं, मूडीज रेटिंग्स ब्यूरो है जो सूरीनाम देश का क्रेडिट वार्ता खैर फिर नीचे लाए हैं। ये बेटवे से बेहतरी रेटिंग सूरीनाम देश को मिला है। मूडीज कहते हैं कि ओवरहेड्स फिनंसियन जो है सरकार का जो पैसा है सूरीनाम देश में, जो पैसा है ये दिन पे दिन कम होता जाता है, पैसा नहीं है देश में, और एक बखरौटिंग स्टकॉर्ट भी है। बखरौटिंग स्टकॉर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा है। वेसल कोर्स पर भी काफ़ी दबाव है।
वैल्यूटा नहीं है और सरकार का जो कर्जा है ये दिन पे दिन बढ़ता जाता है। न सिर्फ पैसे का कमताई है लेकिन आमदनी भी सरकार के इनकम से नहीं है और एक्स्ट्रा मिडलन भी सरकार को ज़रूरी पड़ेगा ये कोरोना क्राइसिस के वास्ते, और इसमें पैसा लोगों को ज़रूरी पड़ेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। वैसे आपको पता है ये नोट वेट ये वेट जो है नोट तुस्तंग के सिलसिले में जो खुदकर हुआ है, जो पास हुआ है पंचघर में, इससे पहले भी एक नोट फोन्स खुदकर हुआ है 400 मिलियन SRD का, लेकिन इसके लिए सरकार को ये पैसा जो है 400 मिलियन जो ज़रूरी है, सरकार को इसको भी इसका के लिए इसको कर्जा लेना है लोकल बैंकन के पास, और अगर लोकल बैंकन के पास लोकल मार्ग पर यह पैसा कर्जा नहीं लिया जाएगा तो हो सकता है कि मोनेटर फिनेंशियरिंग होगा, पैसा छापा जाएगा। एक ब्रोमफिट्सर लोखेरा मकब्रान फिर तखियार सनीचर को अंतोन द कोम स्ट्रात और स्वातन होवनब्रोक स्ट्रात के मोड़ पर इसका हादसा हुआ है। एक ऑटो बस्तूदर जाकर इनसे टकराया है और ये दूसरा वेक्ट हेल्फ पर गिरे हैं और वहाँ पर एक तेख लेकर इनके ऊपर से गाड़ी चला दिए है। ये बहुत ही बुरी तरह से घायल हुए थे और अफसोस कि इनका देहांत हो गया है, ये प्रोमफिट्सर का देहांत हो गया है। एक ऐसा भी हादसा हुआ है, एक 17 साल का प्रोमफिट्सर दीपक खेदू का देहांत सुख को हुआ है। एक फ्रख्त वाहन इनके ऊपर से भी गाड़ी चलाया है। ऐसा हुआ है कि सरामा का मिसखुंस्त वेक में ये एक एस बॉक में हो सकता है कंट्रोल खो दिए है, जाकर दूसरा वेक हेल्फ पर गिर गए हैं और दूसरी तरफ से ये फ्रख वाहन जो आ रहा था ये इनके ऊपर से गाड़ी चलाए है। ये ब्रोमफिट्सर भी बुरी तरह से घायल हुए, इनको लोग स्पुत ऐसन दोहल पका देवी सिकन हाउस में ले गए इलाज के वास्ते, लेकिन कुछ घंटे बाद ICU में इंटेंसिव केयर यूनिट पर इनका देहांत हो गया है। ये फ्रख वाहन और ये ब्रोमफिट्स जो है दोनों हेयर क्योरिंग के वास्ते पुलिस कब्जे में लिए है और ओपनबार मिनिस्ट्री से खोजबीन के बाद और बातचीत करने के बाद ये लाश जो है खेदू का परिवार को दी गई है। इनका दाह क्रिया भी हो चुका है। ये जो फ्रख्त वाहन बस्तूदर जो है इनका बयान लेने के बाद पुलिस इनको घर भेज दिए है। इनके पास एक खालिख रेबवेस मौजूद था। रिगेरिंग्स कमिसारिस सेंट्रल बैंक ऑफ सुरीनाम के पास विजय केरपलानी ये इस हफ्ता ऐलान किए है कि ये अपना पदवी छोड़ रहे हैं और ये वो बता चुके हैं प्रेसिडेंट देसी बाउतर से वो इतला कर चुके हैं। कारण वो बताए कि यह व्यक्तिगत है और पर्सोनल को अमस्तंदखेद ये पदवी वो छोड़ रहे हैं। इनका ये कहना है कि उनके लिए अब मुमकिन नहीं है ये पदवी संभालने के लिए। वैसे ये गुजारिश किए हैं प्रेसिडेंट देसी बाउतर से कि इनका अंसलाह जो है 19 अप्रैल से स्वीकार करने के लिए ये 19 अप्रैल से लागू रहेगा। वैसे पर्सोनल अमस्तंदखेदन बताई है व्यक्तिगत कारण वो ये पदवी छोड़ रहे हैं। मिनिस्टर फिनांसियन का होफदरात से, गवर्नर मॉरिस रूमर से और एरफे से राफन कमिसारसन जो सेंट्रल बैंक के पास है, इन लोगों से किरपलानी इतला कर चुकी है कि ये पदवी छोड़ रहे हैं और इन्होंने बताई है कि ये कारण भी उन लोगों को वो बता चुके हैं। एक चोरी हुआ है, ये जो कुछ चोर गुंडे जो है 5 खबापंद क्रिमिनल ने एक रोफ ओवर फाउल किए हैं। कल सुख के सुबह में लगभग 5 बजे पुलिस को ये मेल्डिंग आई है क्वाटा KFC रेस्टोरेंट के पास। ये पता चला है कि यहाँ का बवाकर जो है इन पर लोग हमला किए हैं। इन लोगों के पास फर्स्ट फ्यूर वापन था, ये गुंडों को ये बवाकर के सर पर लोग लगाए, बाद में लोग इनको बांध दिए हैं और ये मकान में अंदर गए हैं, रेस्टोरेंट में अंदर गए हैं, वहाँ से क्लोज लोग चोरी करके भाग गए हैं। इस क्लोज में लगभग 20,000 SRD पैसा मौजूद था। ये पैसा ये क्लोज लेकर लोग भाग गए हैं। ये बवाकर जो है बाद में अपने आप को छुड़ा पाए हैं और पुलिस को तार किए हैं। पुलिस इस मामले में खोजबीन कर रहा है। वैसे फिरकी सिंह जो आने वाले 25 तारीख मई को होने वाले हैं, इसी सिलसिले में हम आपको बताना चाहते हैं 9 तारीख अप्रैल पिछले हफ्ता कैंडिडेट लेसन इन दिन हुआ है। यह है होफस्टम बिरोज के पास अनेक डिस्ट्रिक्ट में अनेक इलाकाओं में, और यह हम आपको बता दें कि
इसमें से 34 34 कैंडिडेट हैं जो है DNR, DR और RR निफो पर. इन लोगों का नाम इसमें से निकाल दिया गया है, लिस्ट में से निकाल दिया गया है. इन लोगों को कहा गया है कि ये सब अपना ज़रूरी कागजात जो है ये या तो ये इन दिन नहीं किए थे लिस्ट के साथ, या ये सब कुछ लोग जो है जो बवेलख नहीं किए यानी राजी नहीं हुए हैं ये चुनाव में हिस्सा लेने के लिए. अनेक लेस्टन पर कंट्रोल करने के बाद किस डिस्ट्रिक्ट एन परामारिबो में ये पता चला है कि बहुत से गलतियां किया गया है. 17 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है जो अलगमेन फ्रेय और खहम फरकिसिंग में हिस्सा लेने वाले थे, इसमें से चार कैंडिडेट लेस्टन जो थे इसमें कोई गलती नहीं था. इसमें था हाफी बी, एनडीपी, डीएनवी और दो पॉलिटिकल पार्टी का लेस जो है इसमें कोई गलती नहीं था. बाकी का जो लेस्टन था इसमें कुछ गलतियां था और आर्टिकल 52, 68 और 83 किस रेगलिंग के मुताबिक अब एनपीएस DA-91 बेप ABO, A20, VVD, VHP, LPL, SDU, PALU, SPA, PRO और STREE. ये लोगों को 3 दिन के अंदर मौका है प्रेसिडेंट देसी बाउटशे के पास बरूक में जाने के लिए. और ये भी हम आपको बता दें कारण क्यों था, क्यों नाम निकाला गया है लेस्टन से. बहुत से लोग अपना बवेले हिंग्स फॉर्मूलेर इन दिन नहीं किए हैं. कुछ लोगों को अभी तक इनका उम्र 21 साल नहीं है. आपको 21 साल होना चाहिए अगर लेस्ट पर आपका नाम रखा जाए तो आपका उम्र जो है 21 होना चाहिए. और कुछ लेस्टन पर ये भी है कि कुछ लेस्टन पर एक ही कैंडिडेट का नाम कुछ और लेस्टन पर एक से ज़्यादा लेस पर आती है ये भी बताया गया है. कुछ कैंडिडेट भी थे जिन जो लोग अपना CVV आउटरक्सल जो है और नेशनलिटी फिर क्लारिंग इन दिन नहीं किए हैं. 4 DNA कैंडिडेट जो है ये 34 लोग जिन कैंडिडेट जो लेस्ट से निकाला गया है इसमें 4 DNA कैंडिडेट था जिन लोगों को इजाज़त नहीं मिला है ये फरकिसिंग में हिस्सा लेने को. इसमें है लेडन SPR का, FIFIDI का और SDU का. तो अब लोगों को 3 दिन के लिए मौका है बरूक में जाने के लिए. हो सकता है लोगों को फिर इजाज़त मिलेगा अगर प्रेसिडेंट इसके लिए इजाज़त देगा तो हो सकता है कि लोग जो काम पूरा नहीं था तो इसको पूरा करेंगे और फिर इन लोगों को इजाज़त मिलेगा ये फरकिसिंग में हिस्सा लेने को. इन लोगों का नाम फिर लेस पर रखा जाएगा. ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में. हम आपसे इजाज़त चाहते हैं लेकिन भूलिए मत ये कोविड रेगल्स जो है जो बार बार आपको बताया जाता है आप ज़रूर इस पर गौर करना. खुद बचिए और औरों का भी ज़रूर हिफाजत कीजिए. ये बहुत ज़रूरी है. ये रेपेट्रिएशन से फ्लुक जो होंगे इससे कल मैनेजमेंट टीम के जो मीटिंग था प्रेस कॉन्फ्रेंसी था डॉक्टर फ्रीड भी बता चुके हैं कि अगर एक आउटब्रेक सूरीनाम देश में आएगा और ये आउटब्रेक आ सकते हैं अगर लोग इस पर गौर नहीं करेंगे जो मात्र रेगलन लिया गया है जैसे आपसे कहा गया है लोग इस पर गौर नहीं करेगा तो एक आउटब्रेक आ सकता है. अगर एक आउटब्रेक आएगा तो पेशतर डॉक्टर यसरुन जो डायरेक्टर फॉलोसोसोंटेट का है ये भी बता चुके हैं कि लगभग 19,000 के बीच में इतना ज़्यादा लोग बीमार हो सकते हैं बस्मैटिंग हो सकता है. इसमें से लगभग 1100 लोगों को ICU में लोगों को रखना पड़ेगा और इतने जगह हॉस्पिटल में नहीं है लोगों को रखने के लिए. और अगर लगभग 1100 लोग ICU यानी इंटेंसिव केयर पर रखा जाएगा तो इसमें से आधा लोगों का देहांत हो सकता है. यह लगभग 500 से लेकर 550 लोगों का देहांत हो सकता है. यह गंभीर समस्या है, यह कोई खिलवाड़ के बात नहीं है. तो इस पर ज़रूर आप गौर कीजिए और जितने मात्र एकलन बार बार आपसे कहा जाता है इस पर आप गौर कीजिए. बी सेफ, घर पर रहिए अगर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉकडाउन अभी तक है.
ये अगले हफ्ता एतवार तक रहेगा। रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ये आफन क्लॉक है, तो आपको बाहर जाने को इजाज़त नहीं है। इस पर ज़रूर गौर कीजिए, खुद बचिए औरों का हिफाजत कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।